हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड द्वारा संचालित गोरखपुर खाद कारखाना में मशीनों का आने का सिलसिला लगातार जारी है। अभी कुछ दिनों पहले अमोनिया बॉयलर की मशीन कारखाने में पहुंची थी, वहीं शुक्रवार की सुबह यूरिया स्ट्रिपर व यूरिया कन्वर्टर की मशीनें खाद कारखाने में पहुंची हैं। यह मशीन जापान से जलमार्ग से जनवरी में गुजरात पहुंची थी, वहीं से चली यह मशीन लगभग 6 माह में गोरखपुर पहुंची है। कारखाने का निर्माण करा रही हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड HURL के वरिष्ठ प्रबंधक ने के अनुसार फर्टिलाइजर में केमिकल को ठंडा रखने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला कूल बाग शुक्रवार को गोरखपुर खाद कारखाने पहुंचा। यह मशीन सोमवार रात ही जनपद की सीमा में आ गई थी। इसे सिहापार हाल्ट के पास रोका गया था। मंगलवार को इसे शहर के लिए रवाना किया गया। 138 पहियों वाला लारी ट्रक पर लदा यह कूल बॉक्स मंगलवार को सहजनवा से होकर गुजरा। इसे ले जा रहे चालक दल के सदस्यों ने बताया कि यह जापान से जलमार्ग से मंगाया गया है। जनवरी में इसे सड़क मार्ग से रवाना किया गया। 5 माह बाद यह गोरखपुर पहुंच रहा है। शुक्रवार की सुबह करीब 3 बजे बरगदवा पहुंचने पर बिजली की सप्लाई काट दी गई। करीब 2 घंटे बाद नकहा क्रॉसिंग के पार करने के बाद बिजली की सप्लाई दी गई। इस दौरान लोग इसे बड़ी उत्सुकता से देखते रहे।
करता हूँ।